The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवाई नहीं खाना चाहते, बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं. तो अगर आपको भी ऐसा है कि हम दवाई नहीं खाना चाहते, हमको गैस्ट्राइटिस, हमको डाइजेशन प्रॉब्लम, हमको इनडाइजेशन, हमको हार्ट बर्न, हमको स्टमक का एसिड ऊपर आता है, सारे डाइजेशन या इनडाइजेशन के सिम्टम है, तो आपको डाइट कंट्रोल में, जिसको कहते हैं, जो डाइट आपको लेनी है उसको कहते हैं ब्लैंड डाइट, BLAND, ब्लैंड, फिक्की डाइट. फिक्की डाइट सिंपल नहीं है, इसका क्या मतलब होता है समझाते हैं आपको. ब्लैंड डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस से साथ स्टमक अल्सर, हार्ट बर्न, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, नोजिया, वॉमिटिंग, इन सबको ठीक कर सकती है. और ब्लैंड डाइट ही ज़्यादातर लोगों को दी जाती है किसी भी प्रकार के इंटेस्टाइन या स्टमक के ऑपरेशन के बाद. आपको याद रखना है, ब्लैंड डाइट्स में कई सारे फूड होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं. हमें हार्ड फूड नहीं लेना, हमें सॉफ्ट फूड लेना है, हमें नॉन स्पाइसी फूड लेना है और लो इन फाइबर, हाई फाइबर नहीं, लो फाइबर फूड लेना है, राइट. सो अगर आप ब्लैंड डाइट में हैं, स्पाइसी नहीं लेंगे, फ्राइड फूड नहीं खाएंगे, रॉ कच्चा फूड, सलाद वलाद नहीं खाएंगे, उसके अलावा दारू नहीं पिएंगे, कैफीन नहीं पिएंगे, कोई और ड्रिंक्स, उल्टी सीधी कैफीनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेंगे, कोड्रा कोला कोल्ड ड्रिंक, राइट. और आपके डॉक्टर आपको इस तरीके के फूड में, नॉर्मल फूड में कब शुरू करना है वो आपके सिम्टम खत्म होने के बाद डिसाइड कर सकते हैं, राइट. सो ये फूड, इट्स इंपॉर्टेंट, अगर आप ये भी डाइट ले रहे हो, ब्लैंड डाइट ले रहे हो, फिर भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नॉर्मल बैलेंस करें, जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें, हेल्दी रिक्वायरमेंट जो है. सो फूड्स क्या क्या खा सकते हो समझ लो, लिख के रख लो, पेन पेपर ले लो, वॉट एवर, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, आई डोंट केयर, ठीक, भूलना नहीं, ओके. Foods that can be eaten on a bland diet include, you can take milk, दूध ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लो फैट वाले लेना है या फैट फ्री वाले लेना है, सिर्फ हाई मतलब डबल टोन्ड या स्किम्ड मिल्क लेना है, डबल टोन या स्किम्ड मिल्क, टोन्ड भी नहीं लेना, फुल क्रीम भी नहीं लेना, काउ मिल्क भी नहीं लेना. अगर इनमें से ले रहे हो तो इसमें से दो बारी उबाल के मलाई निकाल के फिर लेना. फिर जो भी आप लोगे, वेजिटेबल्स खा सकते हैं कुक करके, कच्ची नहीं खानी है, कुक्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खा ले सकते हो, उसके जूसेस ले सकते हो, वेजिटेबल्स के जूसेस ले सकते हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स डायरेक्टली नहीं खाना, उसकी जूसेस के साथ आप वो उसकी जो वो आती है ना, स्मूदीज ले सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा फाइबर मिले, बहुत ज़्यादा नहीं लेना. लेकिन ब्रेड खा सकते हो, क्रैकर्स जो आते हैं ऊपर से ब्रेड दूध में डाल के खाने वाले, जो आपके सीरियल्स ले सकते हो, पास्ता खा सकते हो आप, क्या ले सकते हो, सिंपल लीन टेंडर मीट ले सकते हो, मीट भी ले, नॉन वेज भी खा सकते हो, पोल्ट्री, वाइट फिश, शेल फिश, स्टीम्ड या बेक्ड या ग्रिल्ड करके लो, स्टीम करके, बेक करके या ग्रिल करके, ऑयल नहीं डालना, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, फैट में अपना चिकन मटन फिश में अच्छा खासा ऑयल होता है, अपने आप स्टीम बेक और ग्रिल करते हो तो पक जाता है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालना, ठीक है, हाँ, या फिर कम डालना, ठीक है. उसके अलावा आप क्या ले सकते हो, पीनट बटर ले सकते हो, क्रीमी वाला पीनट बटर ले सकते हो, पुडिंग या कस्टर्ड ले सकते हो, अंडे खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, और स्ट्रॉन्ग नहीं, लाइट वाली हल्की चाय ले सकते हो, लाइट टी ले सकते हो, ग्रीन टी ले सकते हो, लाइट वाली, ब्लैक टी नहीं लेना, ब्लैक कॉफ़ी नहीं ले, कॉफ़ी नहीं लेना, ठीक है. सूप्स ले सकते हो, ब्रॉथ ले सकते हो, ये सब ले सकते हो डाइट में. क्या नहीं खाना, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अलग लिस्ट, क्या नहीं खाना है जो आप अवॉइड करेंगे, क्या अवॉइड करेंगे, फैट वाली डेयरी फूड, जो हमने व्हिप्ड क्रीम, हाई फैट आइसक्रीम, नो, राइट. स्ट्रॉन्ग वाला चीज़ नहीं खाना है, रॉ सब्जियां नहीं खानी है, वेजिटेबल जिससे गैस बनती है, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कुकम्बर, किसी को ग्रीन पेपर, किसी को कॉर्न, इन सब चीज़ों से नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं खाने हैं, राइट. होल ग्रेन या ब्रान सीरियल नहीं खाना, मूसली नहीं खाना है, लाइट ब्लैंड फूड, मतलब अब ब्लैंड फूड में नहीं खा सकते हैं ये सारी चीज़ें, राइट. होल ग्रेन वाले ब्रेड, होल ग्रेन वाले पास्ता, होल ग्रेन वाले जो ज़्यादातर लोग फाइबर वाली चीज़ें खाने को बोलते हैं वो नहीं खाना है, जी हाँ, ब्लैंड डाइट में ये होता है, क्योंकि वो फाइबर आपके अंदर जाके वो उस चीज़ के लिए नहीं अच्छा, ट्रीटमेंट वाइज कुछ दिनों के लिए, नॉट जिंदगी भर, बट कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों के लिए, बिकॉज दैट टेक्स टाइम, राइट. यहाँ पे छाला हो गया तो यहाँ से खा लोगे कि इसको टच ना करे, लेकिन पेट में छाला हो गया तो उसको तो
टच करेगा ना फूड, सो एवरीथिंग यू ईट विल टच योर अल्सर, योर एस्ट्राइटिस, योर वट एवर इट इज. सो यू नीड टू गो ऑन अ ब्लैंड डाइट फॉर एटलीस्ट फ्यू वीक्स, 2 से 4 हफ्ते एटलीस्ट, राइट. फिर उसमें अचार नहीं खाओगे, कोई सॉसेज, उल्टी सीधी सॉसेज नहीं खाएंगे, उसमें भी स्पाइसेस नहीं खाएंगे, हॉट पेपर, गार्लिक, वो सब चीज़ें नहीं डालनी है, बहुत सारी शुगर वाली चीज़ भी नहीं, बहुत सारी मीठी चीज़ भी नहीं खानी है, उससे भी एसिड बनता है, बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है. सीड्स या नट्स नहीं खाने हैं, जी हाँ, सीड्स या नट्स नहीं खाने हैं. और बहुत ज़्यादा स्मोक्ड वाला, जो हाईली सीजनड वाला मीट होता है, फिश होते, एकदम ही ज़्यादा, राइट, टिक्का, चिकन टिक्का, ये टिक्का और वो तंदूरी, एकदम खतरनाक तरीके से मैरिनेटेड, वैसी चीज़ें नहीं खानी. फ्राइड फूड नहीं खानी. अल्कोहलिक बेवरेजेस या ड्रिंक विद कैफीन नहीं खाना है. रिमेंबर ऑल दीज थिंग. ब्लैंड डाइट इज अ ट्रीटमेंट डाइट, इज नॉट अ वेयर वे ऑफ लाइफ स्टाइल. यू हैव टू गेट बैक टू अ बैलेंस नॉर्मल डाइट लेटर, बट ब्लैंड डाइट इज अ ट्रीटमेंट. उसके अलावा अदर टिप, इन सबसे जरूरी चीज है, कुछ तरीके की दवा अवॉइड करनी है, पेन किलर्स, ब्रूफिन, एस्पिरिन, पैरासिटामोल अवॉइड करनी है, मतलब कम लेनी है, जरूरत पड़े तो लेनी है, राइट. ऐसा नहीं कि बुखार आया तो सर ने बोला मैं नहीं ले सकता, नॉट लाइक दैट, राइट. बी लॉजिकल, टॉक टू अ डॉक्टर. देन डाइट में और क्या चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील. एकदम भका 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 पेट नहीं भरना है, छोटे छोटा खाना है, दिन भर थोड़ा थोड़ा खाते जाए, 3-4 घंटे के गैप में. च्यू योर फूड स्लोली एंड च्यू इट वेल, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, चबा के खाना है, बिकॉज इट शुड बी वेरी वेरी सॉफ्ट, और पतला करके भेजना है उसको, पानी बना के भेजना है. ड्रिंक योर फूड, क्यों बोलते हैं ड्रिंक योर फूड, वेरी वेरी थिंग, राइट. उसको चबा चबा के खाना है, सिगरेट बीड़ी बंद करना है, राइट. और खाना खाने के 2 घंटा पहले तक नहीं खाना, मतलब खाना खा के 2 घंटा रुकना है, फिर लाके लेटना है, वैसे जाके नहीं लेटना. डू नॉट लाई डाउन और डू नॉट बेंड डाउन इमीडिएटली आफ्टर फूड, 1 से 2 घंटे तक, राइट. उसके अलावा थोड़े बहुत जो जो टू अवॉइड वाले फूड बताए गए हैं, उसमें से जो फूड है वो ना खाएं, जो स्पेशली जो आपको दिक्कत करते हैं आपको पता ही है, राइट. और साथ में जिनको इस तरह का रिफ्लक्स होता है वो पानी धीरे धीरे पिए, उससे भी फायदा होगा, एकदम से पेट भरेंगे इट कैन रिफ्लेक्सली जस्ट वापस रिगर्च कर सकता है. सो इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ये वाली ब्लैंड डाइट, ये वाली जो डाइट है, इसको पेप्टिक अल्सर डाइट बोलो, ब्लैंड डाइट बोलो, हार्ट बर्न डाइट बोलो, गैस्ट्राइटिस डाइट बोलो, बहुत जोरदार है, ट्राई करके देखिए, यू विल फील अ डिफरेंस जस्ट बाय द डाइट. और अगर नहीं डिफरेंस, देन वी हैव द मेडिसिन, राइट. मेडिसिन क्या है, बात करते हैं नेक्स्ट session.